गाइस वेलकम बैक टू इम्यूनोस चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सब्सटेंस इट कैन होल्ड। मतलब तो कैपेसिटी होती है ना, तो कंटेनर में होती है। मतलब इसको मैं आप इजीली, मतलब आसान शब्दों में कहें कि जैसे बाल्टी आप लीजिए, उसमें बस 10 लीटर भरेगा पानी। आप भरेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बस वेस्टेज ऑफ वाटर होगा। क्योंकि आप अगर 10 लीटर से ज़्यादा बाल्टी में डालेंगे तो वो तो नीचे गिरता रहेगा, वो और नहीं भरेगी, है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल तो मैंने बताया आपको, बाल्टी। स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, होता है किलो लीटर मतलब KL, लीटर मतलब L, एंड मिली लीटर मतलब ML। 1 किलो लीटर मतलब 1 किलो लीटर में 1 किलो लीटर इक्वल 1000 लीटर्स, 1 लीटर इक्वल 1000 मिली लीटर्स। ये देखिए, सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर। मतलब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, जैसे मेजरिंग कप, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग बीकर। अब हमारा आता है ये, वी नो दैट लिक्विड टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर, दे आर प्योर इनटू। मतलब जो पानी होता है ना, जो लिक्विड होता है, आप अगर जिस कंटेनर में, मतलब कुछ कोई भी बर्तन में डाल दोगे, उसका ही शेप लेगा। जैसे ग्लास में डाल दोगे तो गोल ले लेगा, या फिर किसी डिब्बे में तो नहीं भरेगा। ऐसा आप किसी ग्लास में डाल दोगे, वो उसमें गोल ले लेगा, है ना। आप किसी भी चीज़ में डाल देंगे तो उसका ही शेप लेगा, लेकिन जमीन में डालेंगे तो किसी का शेप नहीं लेगा, क्योंकि उसका कोई शेप ही नहीं होता। हंस टू मेजर द क्वान्टिटी ऑफ अ लिक्विड। अगर हमको लिक्विड की क्वान्टिटी मेजर करें, आप सोचेंगे अरे क्वान्टिटी वाला तो काउंट करके देते हैं, इसमें बूंद काउंट कैसे करेंगे। नहीं, वी प्योर इट इन टू मेजरिंग कॉन्टेनर। तो हम उसे इन सब कॉन्टेनर में डाल कर पता कर सकते हैं। और सुन लीजिए कि जो पानी होता है उसका खुद का कोई शेप नहीं होता। आप जमीन में गिरा देंगे ना तो वो फैल जाएगा, उसका कोई शेप नहीं होता। तो आज मैंने आपको पढ़ाया मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा। बाय बाय, सी यू, बाय। और कल हम आपको पढ़ाएंगे ये मेजरमेंट ऑफ टाइम, कल हम आपको ये पढ़ाएंगे। तो अब आप सोच के हमको बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। बाय।